रात का टाइम, बारिश का मौसम और आप अकेले। वाह, पूरी जो है जैकेट गीली है, सी पूरा गीला हो चुका हूँ मैं। तो गाइस फाइनली अपन जो है रेडी हो चुके हैं बाइक पर जाने के लिए। अभी जो आप ये टी शर्ट देख रहे हो अंदर, मैं इसी के लिए जो है पर्टिकुलरली सुबह गया था कि मुझे अंदर की जो लाइनिंग है वो मेरे को नहीं लेनी थी। तो अभी इशू क्या हुआ है कि मैं अंकित के साथ गया था, उसके साथ ये टी शर्ट वगैरह लेने के लिए। और जब हम लोग आ रहे थे तो मैं उससे वो टी शर्ट लेना भूल गया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से जाने से पहले अंकित के घर जाएंगे, वहाँ से वो अपनी टी शर्ट कलेक्ट करेंगे, उसको पहनेंगे अंदर, और देन हम लोग निकलेंगे अपनी मंजिल की ओर। तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं आज लेंस टाउन। पर्टिकुलरली ये भी सोलो राइड है मेरी, मैं सोलो ही जाऊँगा। लेंस टाउन जाते हैं शाम को, और अभी टाइम बजने वाले हैं 3, तो 3.5 या 4 घंटे का रास्ता है यहाँ से, 170 किलोमीटर है। सो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं और क्या क्या वहाँ पर होता है हमारे साथ, क्या क्या हमारे एक्सपीरियंस रहेंगे, सब कुछ कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीडियो को। पीस। सो गाइस फाइनली वी आर ऑन द रोड, वी आर ऑन द हाईवे राइट नाउ। और बस अब निकल चुके हैं मेरठ से, और सही बोलूँ ना टाइम हो रहा है इस टाइम 3:15 या 3:30 के आसपास का। लेकिन ये भाई सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोल रहा बिल्कुल भी, स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है अंदर से, क्योंकि हेलमेट भी है, देन हमारी जो है राइडिंग जैकेट भी है। तो टी शर्ट के अंदर जो है खलबली मची हुई है बदन में गर्मी की वजह से, और पता नहीं पसीना कहाँ कहाँ से निकल के कहाँ कहाँ जा रहा है वो आप समझ सकते हैं। और गर्मी तो हो रही है, बट ठीक है, अभी जैसे बाइक चल गई है तो अभी नॉर्मल रहेगा, लेकिन जहाँ ट्रैफिक में फंस जाते हैं थोड़ा सा भी, तो फिर महसूस होने लग जाती है गर्मी। क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं वो बता रहे थे कि पहाड़ों में बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड का भी खतरा हो सकता है, बट कोई बात नहीं, देखी जाएगी, झेल लेंगे हम लोग जैसे भी होगा। देखो सब ऊपर वाले के हाथ में है, जो होना होगा वो होके रहेगा, ठीक है। उसकी वजह से आप जो है घर में बंद के नहीं बैठ सकते। तो अपनी रोड ट्रिप को जो है एक पॉजिटिव नोट से शुरुआत करते हैं कि सब कुछ अच्छा जाएगा, बाकी बाबा जी के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, वो हमारे साथ जो करना चाहते हैं वो करके ही रहेंगे, वो होके ही रहेगा जो उन्होंने हमारे साथ लिखा है, हमारी किस्मत में लिखा है। तो जल्दी से अब अपनी हम रोड ट्रिप को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से, और घुमाते हैं आपको लेंस टाउन में। पहली बार जा रहा हूँ मैं, मुझे भी नहीं पता है कि कैसी जगह है, क्या है, मैंने भी बस व्लॉग्स देखे हैं। तो गाइस एक छोटा सा पैच मिला है, सोच रहे हैं कि थोड़ी सी भगा दें बाइक को। So, let's go. तो काफी ज्यादा फिल्म ब्लास्ट है यार, आई कैन फील दैट। और रास्ता तो बिल्कुल खाली है आज, हम पहुंचा चुके हैं अपनी बाइक को। और टॉप में अभी तक जो अपनी बाइक को मैंने चलाई है वो 120 है। तब देखता क्या चलानी चाहिए बाइक को हमेशा, कि खाली पैच मिलना चाहिए जहाँ पे आपको लगे ना कि कोई भी इशू नहीं आएगा या कोई बंदा नहीं आएगा बीच में, तो वहाँ भगाओ अपनी बाइक को, कोई इशू नहीं है। सकोती है, सकोती का रेलवे स्टेशन, साइड में चल रही है ट्रेन, और रोड पे तुम्हारा भाई। और इस जगह का मुझे सबसे प्यारा चीज़ क्या लगती है, थैंक यू।
जगह पर है। गर्मी भी है, हेलमेट का वाइजर मेरा डाउन है, ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी में बैठ गया हूँ मैं, इतनी गर्मी लग रही है एकदम से। वाओ मर्सिडीज़, दैट्स माय फेवरेट मर्सिडीज़। तो गाइस अभी मैं हूँ नजीबाबाद को जस्ट मैंने क्रॉस करा है, और ये मुझको साइड में एक कैफ़े दिखा है, दिस इज़ UP20 कैफ़े। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत कुछ खा लिया जाए, क्योंकि मुझे अब जो है भूख लग रही है थोड़ी सी। तो चाय वाय कुछ पीते हैं, कुछ खाते पीते हैं और तब आगे निकलेंगे यहाँ से। चलिए मिलते हैं आपसे सीधा कैफे के अंदर। I know I wasn't the only one up on your mind. I always told you that you're my star and that you shine. Did not realize you're far. तो भाई वो जो कहावत है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, वो बिल्कुल सच हो चुकी है। मतलब मैं करीब करीब एक घंटे से एक जगह ढूंढ रहा था कोई ऐसी जहाँ मैं आराम से बैठ के ना थोड़ा चिल कर सकूँ, थोड़ा कुछ खा पी सकूँ, और सच में मेरे को इतनी अच्छी जगह मिली है। काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है, और ये इसकी खास बात कि ये कल ही स्टार्ट हुआ है, कल ही इसकी इनॉग्रेशन थी। अभी जो इस कैफ़े के जो ऑनर हैं, मेरी उनसे बात हुई, तो वो भी गुड़गांव के रहने वाले हैं, और उन्होंने उनको भी ये चीज़ पता है कि यहाँ से राइडर्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ से जो है टूरिस्ट बहुत जाते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर अपना एक नया सेटअप बनाया है। और आप देखो मेरे पीछे कितनी ही सुंदर जगह है, कितनी प्यारी जगह बना रखी है इन लोगों ने। और ये है हमारा ऑर्डर, ये है हमारा वर्जिन मोहितो, और साथ में है हमारी मस्का मैगी जो यहाँ की खुद की स्पेशल है। और देख सकते हैं आप, काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है यार मेरे को तो। अभी शाम की हो गए हैं 6:30, और हम लोग निकल चुके हैं इस कैफे से। और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, जैसे ही हम पहाड़ों में पहुंचे बारिश शुरू, पेट्रोल भी नहीं है, बारिश होने वाली है यार, समझ रहे हो कितनी ज़्यादा दिक्कत है आज हमारे साथ। जैसा ही मिल रहा है भाई साहब, 1200 का तेल लग गया जहाँ 1100 लगते थे पहले। ओ भाई साहब, तो भाई अभी 37 किलोमीटर है यहाँ से लैंसडाउन, और पहाड़ देख रहे हो कितने ही बढ़िया लग रहे हैं यार। ओ भाई
भाई हाय 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 हाय, आराम से। एक तो अंधेरा होने वाला है, रात होने वाली है, और मैं जो है अकेला हूँ। सेम जो है मेरे साथ हुआ था जब मैं नैनीताल गया था। नैनीताल में मैं बिल्कुल अंधेरे में बाइक चला रहा था, और फर्स्ट टाइम था मेरा वहाँ जाते हुए। तो यहाँ भी मेरा फर्स्ट टाइम है लैंसडाउन में, और नीचे चल रही है नदी, हल्का हल्का सा हो रहा है पानी। सीन खतरनाक है भाई, मतलब खाली रोड, रात का टाइम, बारिश का मौसम, और आप अकेले। वाह, ऐसा होता है ना जब हॉरर फिल्मों में जो सीन बनाते हैं ना डायरेक्टर लोग, वैसा कुछ हो रहा है। बट कोई बात नहीं, अपने डर पे काबू रखें, संतुलन बनाए रखें, और निकल जाएं अपना घूमने के लिए। वो देखो यार, क्या ही सही फील हो रहा होगा भाई लोग। अगर आपको मज़ा आ रहा हो या मेरी हालत देख के आपको थोड़ा सा भी तरस आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में, और डर भी लगता है, लेकिन करना पड़ता है घूमने के लिए, आपके लिए वीडियो अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए ये सब करा जा रहा है। तो वीडियो को लाइक करें बिना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। पता नहीं चला, मुझे इतना आइडिया नहीं हुआ। और बाइक पूरी गीली, पूरी अंदर तक चली गई थी, और इतना तेज, मतलब हेडलाइट तक ना ऐसा पानी आया, और अभी जूते जो है पूरे गीले हो चुके हैं मेरे। जब पानी आया ना, मुझे लगा अब तो गाड़ी गई, गिरेगी यार पक्का, लेकिन ठीक है, आराम से निकल गई। और ऊपर देखो यार, क्या बादल आ रहे हैं पहाड़ों पे, बिल्कुल पहाड़ों के नीचे बादल हैं यार। मुझे तो दिख रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं दिख रहे होंगे या नहीं, लेकिन बादल पहाड़ों के नीचे है। अब सीधा मिलते हैं आपको होटल में। और हेलो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लैंसडाउन से, बस 6 किलोमीटर हम लोग नीचे हैं। एक्चुअली रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश थी, इतनी ज़्यादा धुंध थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और हालत देखो, ये देखो पूरी जो है जैकेट गीली है, सी पूरा गीला हो चुका हूँ मैं। तो अभी जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं, तो अभी जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं, और देखते हैं कुछ खाना पीना होगा तो खा लेंगे, अदरवाइज आराम करते हैं। और आपको अगर मैं अपना रूम दिखाऊं, भाई साहब बेहतरीन रूम है यार। इतना सही रूम, और यहाँ पर टीवी वगैरह भी है। वॉशरूम आपको दिखा देता हूँ, इन पर ये वॉशरूम है कुछ इस तरीके से, मतलब 1000 रुपीज़ इन लोगों ने मुझसे लिए हैं, मुझसे चार्ज करें, और 1000 रुपीज़ मतलब मेरे लिए को लगता है ठीक है। और यहाँ पे छोटी सी बालकनी है, सुबह का व्यू जो है हम आप देखेंगे कि क्या व्यू आता है। बाकी जूते वूते सब कुछ गीले हो चुके हैं, तो एक बार पहले सब कुछ सेटल ऑन डाउन हो जाते हैं, तो एक बार पहले सेटल ऑन हो जाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। और भाई अभी कपड़े चेंज करके अपन बैठ गए हैं। व्हाट अ डे मैन, मतलब सिर्फ कोटद्वार से यहाँ तक आते हुए हमने बारिश देखी है, वाटर क्रॉसिंग देखी है, क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे झरने भी देखे मैंने रास्ते में, ये सब था। और साथ में था फॉग, मतलब भाई साहब इतना तगड़ा फॉग यार, हालत खराब हो गई। बाइक चलाते जाते ना, और 20 से ज़्यादा गाड़ी चली नहीं थी, 20 से 30 से ज़्यादा गाड़ी चली नहीं रही थी, तो थक चुका हूँ मैं काफ़ी। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, गुड नाइट। कल रात जो है यहाँ पर अंधेरा हो चुका था, तो मैंने आपको व्यू भी दिखाया। सो वो देखो यार, कितना ही सुंदर लग रहा है। बादल जो है बिल्कुल नीचे आए हुए हैं,
और एक बार वहाँ देखो, बिल्कुल सफ़ेद बादल है और मौसम हो रहा है काफ़ी ख़राब। सुबह सुबह का टाइम है और ये आ रही हैं गाड़ियाँ। तो रात जो है हम उसी रास्ते से आए थे भीगते भागते, और ये रास्ता ये जा रहा है यहाँ पर, और नीचे कुछ इस तरीके से है। आई थिंक इनका कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ होगा। और ये देखो नीचे की गहराई, और इसी के नीचे नीचे वाले जो रूम होते हैं अगर आप वो लोगे थोड़े सस्ते मिलते हैं आपको, और नीचे आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा बाहर का सी। ग्रीनरी बहुत है भाई यहाँ। Few moments later. और देखो भाई अभी आधे घंटे पहले मैंने आपको दिखाया था तो यहाँ पर कोई भी कोहरा नहीं था, और अब देखो यार कितना सही हो गया है। मतलब वीडियो कभी भी जस्टिफाई नहीं करती है इन सब चीज़ों को, मेरा ये मानना है। और सामने आपको अभी थोड़े बहुत पहाड़ दिख रहे थे ना, अब वो भी नहीं दिख रहे हैं। ये देखो यार क्या बात है। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो मेरी आवाज़ थोड़ी आपको अलग सी दिख रही होगी, मतलब लग रही होगी, बट ठीक है यार। बस मेरे को ज़रा सा आपको ये दिखाना था कि किस तरीके से जो है यहाँ पे बादल नीचे आ जाते हैं। ये देखो तो सही लग रहा है ऊपर तक वहाँ। एक ही साइड में एक प्रॉपर्टी है, देन हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर जो टेरेस है मैं वहाँ पर हूँ। और भाई यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है तो देख सकते हैं पूरा गीला हो चुका है यहाँ पर। ये देखो बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही है, और अभी मैं जो है ऊपर का व्यू देखने के लिए आया था कैसा हो रहा है। और पीछे देखो यार जो खुला था ना, जो पूरे पहाड़ दिख रहे थे अभी बिल्कुल कवर हो चुके हैं। तो मौसम एक नंबर है इस टाइम पे। और देखो पीछे, ये देखो क्या मस्त मज़ा आ रहा है ना यार, चिल टाइप का। और भाई ऐसे व्यू के साथ चाय को एंजॉय करते हुए तुम्हारा भाई आनंद, परम आनंद। सुकून पहाड़ों में यही तो सुकून है, ऐसे ऐसे व्यूज के साथ जब आप चाय पीते हो ना मजा आता है। बाकी अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ, नहाने का मन मेरा कर भी नहीं रहा है, बट देखते हैं दोपहर वोपहर को नहा लेंगे, क्या ही दिक्कत है। पानी वानी यहाँ पे खूब है, जगह देखो यार व्यूज ने ना मज़े बांध रखे हैं बिल्कुल। तो चाय पीते हैं फिर पराठे खाते हैं और ऑफिस स्टार्ट करते हैं। चलिए पराठा। पराठा विद अचार, पराठा अचार, चाय, व्यूज, पहाड़, क्या ही बात है, बहुत बेहतरीन। आप लोग इंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो बताना जरूर, कमेंट डाउन करना कि आपको इस जगह कैसी लगी और व्यू कैसा लगा। सुनो 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 भाई लोगों, वो देखो यार फिर से बारिश का मौसम, धीमी धीमी बारिश हो गई फिर से। और ये रखा हमारा लैपटॉप, यहाँ से हम कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम। तो यहाँ पे इशू ये है कि रूम के अंदर जो है बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत हल्के आ रहे हैं, बट बैल्कनी में बैठ के मेरे को नेटवर्क का ऐसा कुछ ड्रॉप दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से बैठ के मुझे काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाहर जाना पड़ेगा जहाँ पर रेस्टोरेंट बना हुआ है इनका भैया का, तो वहाँ से वर्क करते हैं या फिर यहाँ बैठ के करना पड़ेगा। अभी यहाँ बैठे बैठे तो मैं थक गया हूँ, तो देखते हैं थोड़ी देर वहाँ बैठ के करेंगे, थोड़ी देर यहाँ बैठ के करेंगे, ऐसे कर करके मैनेज कर लेंगे। बट मज़ा आ रहा है इस टाइम पे। ये देखो पीछे बारिश हो रही है हल्की हल्की।
कल लगता है हमने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और बारिश देखो बहुत ज़्यादा बारिश है। अब तो ये थोड़ी बहुत हल्की हो गई है, अभी आधे घंटे पहले इससे भी ज़्यादा बारिश थी और अब पता नहीं है कि कब तक ऐसे बरसता रहेगा। बड़ी मुसीबत है यार, लगता है गलती कर दी हमने यहाँ पर आके, बट क्या कर सकते हैं। अभी 2 दिन तो हम यहीं पर रहेंगे तो जितना बरसना बरस जाए, बट अगर ये सैटरडे संडे बरस गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा लैंसडाउन में घूमना और आगे का ट्रैवल करना। बाकी देखते हैं जैसा होगा देखा जाएगा, बारिश होगी तो यहीं रहेंगे या घर निकलते हैं वापस सैटरडे संडे को, कुछ पता नहीं है। बाकी ठीक है, अभी 1 बज रहा है, ऑफिस की मीटिंग्स हमारी ओवर हो चुकी हैं, आधा काम कर चुके हैं। यहाँ आ गया हमारा लंच और सामने देखो भाई अभी भी बारिश है हल्की हल्की, देख रहे हो कितना कोहरा है, बादल इतने ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पर। और जस्ट अभी मेरी जो है ऑनर से बात हुई थी तो उनका कहना है कि लैंसडाउन को जो है रेड अलर्ट घोषित कर चुके हैं वो लोग, क्योंकि बारिश में यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से। सो देखते हैं क्या होना हमारे साथ भी, अभी हम यहाँ पे रहेंगे नहीं रहेंगे क्या करना है नो आइडिया। तो अभी पीछे चल रहा है तारक मेहता जो मैं हमेशा देखता हूँ, और लंच करते हैं काम करते हैं एंजॉय करते हैं। वो हो थोड़ी बहुत धूप निकल चुकी है भाई लोग, वो देखो वहाँ पर, और अब देखो कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है ना, क्या बात है क्या बात है, कितना ग्रीनरी है यार। तो बस अभी शाम के बज रहे हैं 4 और सुबह से अब धूप निकली है और अब थोड़ा मौसम बना है घूमने फिरने का, बट अभी हम लोग जो है काम कर रहे हैं ऑफिस का तो क्या ही कर सकते हैं, घूम तो हम भी सकते नहीं क्योंकि सुबह से कोई काम नहीं था ऑफिस का, अब जाके जो है आया है और अभी ये धूप निकली है। ठीक है अभी धूप के इंजॉय करते हैं, थोड़ी देर यहीं बैठेंगे हम लोग बालकनी में, यहाँ से काम करता हूँ ऑफिस का क्योंकि नेटवर्क यहीं पर आ रहे हैं, तो एंजॉय करते हैं धूप को भी और मिलते हैं आपसे वीडियो में आगे। चलिए पियो सो जाओ काम करो मौज है, ये भी एक अलग तरीके का जो है एक्सपीरियंस है जो आपको हमेशा लेना चाहिए मेरे ख्याल से, कि आप जो है एक अलग ही जगह से, मतलब ऐसी जगह हो जहाँ खुला जो है एनवायरनमेंट है, ग्रीनरी है, शाम की चाय है और यहीं से आप काम कर रहे हो। सोच सकते हो कभी वर्क फ्रॉम होम में ये सब चीज़ें दिखा दी हम लोगों को, एक नंबर मज़ा है इसमें यार। और इस तरीके से हो रहा है अपनी शाम, देखो भाई कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ खड़ी है हमारी बाइक, कल रात से यहीं पे खड़ी है, आज पूरे दिन इसने जो है बस बारिश में मजे लिए हैं। चलो चलते हैं अंदर, ठंडिया हवा वाया निंद्रा उड़ा ले रात के बज गए हैं 10, डिनर हम लोग कर चुके हैं और अब मैं हूँ अपने बेड पर। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब और मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। तो भाई आज है हमारा day 3 इन लैंसडाउन और इस रूम में भी मेरा 3rd दिन है, तो बस आज हम और रुकेंगे, कल जो है सैटरडे है और कल हम निकल जाएंगे यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर लैंसडाउन में, वहाँ पर रहेंगे घूमेंगे फिरेंगे और फिर संडे को वापस आ जाएंगे और हम जाएंगे अपने घर की तरफ। तो आज का प्लान यही है, घर पर इसी रूम में रहना है हम लोगों को,
घर ही मान लो, अभी इसको यहाँ ये अपना घर टाइप पे ही हो गया है। तो सुबह के बज रहे होंगे 6 या 6:30, टाइम एग्जैक्टली आई डोंट नो। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी दूर ना पैदल जाके ना थोड़ा वॉक वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि मौसम आज साफ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ हमारी बैल्कनी से, सो सी अभी थोड़ा साफ है, इतना कोई बारिश वारिश का कोई सीन नहीं है। तो थोड़ी देर वॉक करके आते हैं, पहाड़ों में वॉक भी ज़रूरी है, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए इस चीज़ का भी। वो करके आते हैं और देन आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं सुबह की मॉर्निंग वॉक पर, और पहाड़ों में जो वॉक है उसका तो मज़ा ही अलग है। मतलब ग्रीनरी आप देखो कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, और खाली रोड है और मौसम बहुत बेहतरीन हो रहा है। हल्का हल्का जो है मॉइस्चर होता है ना मौसम में, हवा में, वो है। और थोड़ी दूर चलते हैं और फिर वापस आएंगे और देन अपना नहा धोकर तैयार होते हैं। आज आज नहाना ज़रूरी है। I know I wasn't the only one up on your mind. I always told you that you're my star and that you shine. Did not realize you're for everybody, baby. Why? I thought you were the one and only, baby. You were mine. Who knew demons always come in different shapes? Firework grab every day to another eighth. I be popping all these pills when I feel out of place. You is not this world, baby. तो गाइस आपको कुछ आवाज आ रही है पानी की? कुछ तो आ रही है ना। तो ये जो पानी है ये कुछ वहाँ से चलता हुआ और ये यहाँ नीचे जो है जा रहा है, तो नीचे से जो है पानी जा रहा है ये। अभी दिखा यहाँ पे एरियाज में क्या होता है ना कि साइड में से छोटे छोटे जो है झरने भी निकलते रहते हैं। और परसों रात क्या हुआ था, जब मैं रात को आ रहा था तो बारिश थी बहुत तेज़, और कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा पानी जो है झरने से निकल रहा है, तो उसकी जो आवाज़ होती थी ना तो वो थोड़ी डरावनी होती थी, क्योंकि रात हो रही थी। रात में जो है ना तो रोड दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, और बस हम चलते जा रहे हैं और इस तरीके से पानी की आवाज़, देन कोई भी नहीं था रोड पे। मतलब 5-6 गाड़ियाँ भी आपके आसपास रहे ना तो आपको थोड़ा सा जो है हिम्मत बनी रहती है, बट अकेले तो थोड़ा ख़तरनाक सीन रहता है। बाकी जगह एक नंबर और व्यू एक नंबर है यहाँ पे। ग्रीनरी मुझे लगता है यहाँ पे ना मसूरी और नैनीताल से भी ज़्यादा है। आप आ सकते हैं, और यहाँ पे एक सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ना रश नहीं है। जितना रश जो है नैनीताल मसूरी में रहता है ना, उतना रश तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। आज की वॉक हो गई है, आज की वॉक इतनी बढ़िया थी ना, ये वॉक में हमेशा याद रहेगी अपने लाइफ टाइम में। बाकी पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, बढ़िया मज़ा आ रहा है। चलो मिलते हैं आपसे अब रूम पे। कैसी लगी आपको पहाड़ों की मॉर्निंग वॉक, जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलो जल्दी से नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं और फिर ऑफिस का काम शुरू करते हैं। तो अब तुम्हारा भाई जो है नहा धो के रेडी है। कल जो है बाल ऐसे चिपके चिपके से हो रहे थे ना, क्योंकि परसों हम लोगों ने हेलमेट पहना था, उसकी वजह से जो है बाल चिपक जाते हैं। और वैसे भी 2-3 दिन हो गए थे हेड वॉश को, तो अभी जो है हेयर वॉश किया है मैंने और बाल अब जो है बिल्कुल सिल्की स्मूथ हो गया है। तो अभी जो है तैयार होते हैं और नाश्ता मंगाते हैं, चाय मंगाते हैं। ठंडा पानी था भाई, बहुत चिल्ड पानी था, लेकिन फिर भी नहा लिए, शावर लिया, नहा लिए। चलो मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में। टी शर्ट पहननी है आज, येलो या वाइट? आई वुड से वाइट। तो अभी तुम्हारा भाई बिल्कुल रेडी है, अब बस बालकनी में बैठते हैं, ऑफिस स्टार्ट करते हैं और ये कल वाला सीन फिर से चालू। ये जो है भाप बन के ऊपर जाएंगे, फिर ये बरसेंगे और ये यहाँ पर बारिश होगी। दरवाजे से आते हुए तो आपने सबको देखा होगा, बट अपन जो है खिड़की में से जाएंगे। ये स्लाइडर है यहाँ पे, तो ये भी एक नया तरीका है बालकनी में जाने का। और अभी आपका भाई जो है बिल्कुल तैयार व्यार होकर स्मार्ट बन के चश्मा वश्मा गॉगल शॉगल पहन के आपके लिए तैयार है, आपके लिए ब्लॉग बनाने के लिए। और अभी एक बार देख लो, मतलब जितनी बार देखो ना इसको इतना कम है। हाँ जी,
तो अभी प्लान ये है कि आज फ्राइडे है और आज यहीं से काम करना है। आज ये हमारा तीसरा दिन है इस होटल में, इस रिजॉर्ट आप कह सकते हैं, होटल नहीं आप रिजॉर्ट करो इसको। तो तीसरा दिन है और आज भी यहाँ से काम करना है, बट कल हमें जाना है ऊपर लैंसडाउन में। और अब प्रॉब्लम ये है कि पीछे आप देख रहे हो ये जो फॉग है ना, इसकी वजह से बारिश बहुत हो रही है, बिकॉज़ ये जो है बारिश का मौसम है और इस मौसम में जो है लैंडस्लाइड वगैरह बहुत होती है और बादल बहुत पड़ते हैं, तो मतलब थोड़ा रिस्की है ज़्यादा घूमना भी यहाँ पर। नहीं अभी क्या होगा, बाकी देखते हैं जो होगा, रब को मंजूर है, हमें भी मंजूर है, हम क्या ही कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आगे। और आज के ब्रेकफास्ट में हमने मंगाया है मसाला मैगी और साथ में है हमारी गर्मा गर्म चाय। व्यू मैगी आपको तो बताइए कितनी इम्पोर्टेंट है, अगर आपने पहाड़ों में आके मैगी नहीं खाई तो क्या कर रहे हो यार, क्यों आ रहे हो, मत आओ, घर पे रहो प्लीज। हाय, नजारे देख रहा हूँ, मौज ऐसे लो तुम भी। भाई साहब वर्क फ्रॉम होम इससे पहले ही खत्म हो जाए ना, जितने भी आईटी के बंदे हैं मैं बोल रहा हूँ आ जाओ एक बार पहाड़ों में, आ जाओ वहीं से वर्क फ्रॉम होम करो, खाओ पियो मौज करो, बेहतरीन मजा आएगा। टेस्ट करोगे? लो भाई आप लोग भी टेस्ट करो, अपन भी टेस्ट करते हैं, मौज करते हैं, आप भी मौज लो, मैं भी मौज लेता हूँ। वीडियो देखो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करो और शेयर करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, हम लोग भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, जब इतनी मौज में हम लोग को दिला रहा हूँ वीडियो में ही, तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी कर दो फ्री है। बाकी मैं मौज करता हूँ, आप लोग भी मौज करो। हेलो हेलो हेलो, तो भाइयों और उनकी बहनों, दो दिन के बाद आज जो है धूप निकली है, कहाँ है वहाँ है, तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप है और मैंने सोचा कि जल्दी से इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, अपने जो कपड़े हैं उनको सूखने के लिए डाल देते हैं। और यहाँ तुम्हारा भाई, हेलो, तो यहाँ है हमारे शूज़ जो कि बिल्कुल गंदे तरीके से गीले हो चुके थे, इनको मैंने जो है सॉक्स को भी निकाल दिया है। देन ये हमारी चड्डी वड्डी हैं, इग्नोर, ये है हमारी राइडिंग जैकेट जो कि गीली हो गई थी पूरी की पूरी, हालांकि ये थोड़ी सूख गई है, बट जो मेरे शूज़ हैं वो बिल्कुल गीले थे सुबह तक भी। और मेरे ट्रैक पैंट्स, अभी इनको सूखने देते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है यार, इट हिट्स रियली हार्ड। तो अभी कपड़े सूखने देते हैं, टीवी चल रहा है, हमारा ऑफिस चल रहा है। सही है यार, एक ये है 10 का चाहिए बस, कौन सा एक ये है जो भी चाहिए आपको, और एक है ये, ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम लोग लेकर आ गए हैं अपने लिए बिस्किट का पैकेट, तो कि शाम को जो है आज मन कर रहा था कि चाय के साथ कुछ खाया पिया जाए, तो भैया के पास तो था नहीं, तो उन लोगों ने बोला कि एक पीछे एक शॉप थी तो वहाँ से लेकर आए हैं, अब इसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी चाय को। बिस्कुट खाने का तरीका, भिगो के खाओ, चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, वो चीज़ बड़ी है मस्त।
मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है ये। और भाई अब हम कर रहे हैं इस होटल का फाइनल डिनर, मतलब कल सुबह हम लोग जल्दी, मतलब सुबह जल्दी निकल जाएंगे मैं यहाँ से। और अभी जो है यहाँ पर इसका जो फाइनल डिनर है मैं वो कर रहा हूँ। इसके बाद पता नहीं ये इतना बढ़िया रूम, इतना बढ़िया होटल और ये दाल, दिस इज़ द थर्ड टाइम इन दो तीन दिन में मैं तीसरी बार ये दाल खा रहा हूँ और हर बार ये अलग ही स्वाद देती है। बहुत बड़े दाल बनाते हैं ये लोग, इसको बोलते हैं लोग दाल फ्राई, और साथ में रोटी और सैलेड है। मस्त मज़ा आ रहा है खाने में। अभी डिनर एंजॉय करते हैं। सामने चल रही है हमारी सूर्यवंशम। हाँ जी, तो सैड मैक्स की सबसे फेवरेट मूवी चल रही है, हमें बहुत पसंद है। देखते हैं खाना खाते खाते और टीवी देख के सो जाएंगे, ये करना है। हाँ, डांस वांस करके दम लो भाई साहब, थक चुके हैं अब तो। डांस वांस तो मैं कर चुका हूँ, एंजॉयमेंट पूरा हो चुका है। इवन जो हमारे होटल के जो ओनर थे वो ये बोल रहे थे कि भैया आप गाने बहुत अच्छे बजाते हो और मज़ा आता है उनको भी। कल रात भी जो मैंने बजा रखे थे ना, तो कह रहे थे मेरे को कल आज दोपहर में कि भैया आपने गाने बहुत अच्छे बजा रखे थे, बजाया करो ऐसे ही। तो मैंने कहा चलो आज फाइनली बजा देते हैं, कल को तो हम यहाँ पे रहेंगे नहीं, क्या पता इसी बहाने हमें थोड़ा सा कंसेशन देते कल को जब फाइनल पेमेंट करेंगे, है ना। चलो मिलते हैं। तो गाइस थोड़ी देर में जो है ठाकुर भानु प्रताप जहर वाली खीर खाने वाला है, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अभी हम जो है अपनी वीडियो क्लोज कर देते हैं। आई थिंक ये थोड़ी लंबी बन गई होगी, बाकी मैं देख लूँगा, एडिटिंग में संभाल लूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों साथ। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। कल का जो है ब्लॉग एक ट्रैवल ब्लॉग होगा, हम जाएंगे ऊपर दो तीन जगह पे घूम फिर के हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर लैंसडाउन में चीज़ें हैं और कौन कौन सी जगह पे हम जाएंगे हमें खुद नहीं पता है, तो वहीं पे जाके हम डिसाइड करते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, गुड नाइट। सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और नहाना है, नहाते हुए तैयार होते हैं फिर आपसे मिलते हैं। और भाई आखिरी बार आज ये नज़ारा फिर से देख लो, इसके बाद पता नहीं कभी यहाँ पर आना होगा या नहीं आना होगा। वो देखो नीचे ना हल्के हल्के से फिर से जो है बादल आ गए हैं वो। तो अब आखिरी बार इस व्यू को, इस जगह को बाय बोलने का टाइम आ चुका है। आज हम निकल रहे हैं यहाँ से, जाते हुए बहुत दुख हो रहा है बट जाना पड़ेगा, घर भी जाना है वापस। एक आखिरी सलाम इस जगह को बोल लेते हैं, तो बाय बाय पहाड़ों, फिर मिलेंगे कभी। तो बस अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और पहले मैं सोच रहा हूँ कि पैकिंग कर लेता हूँ अपने बैग की और तैयार होकर फिर निकलना है यहाँ से। अब मैं नहाने जा रहा हूँ, सुबह के 6 बजे हैं, पहाड़ों में ठंडे पानी से नहाने जा रहा हूँ। तो जो भी लोग नहाए नहीं अपने उनसे बात नहीं करूँगा बिल्कुल भी, गंदे लोगों से बात नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग नहाए नहीं हो तो पहले वीडियो को पॉज करो, नहा के आओ और तब वीडियो देखना, ठीक है। चलो बाय बाय। और जो लोग नहाए नहीं है, खुदा कसम कह रहा हूँ बात नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करने का आज, देख लेना। अभी प्लान में जो है थोड़ा चेंज हो गया है। कल तक हमारा जो प्लान था वो था कि हम लोग दो दिन जो है सैटरडे संडे यानी कि आज और कल लैंसडाउन में रुकेंगे और वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी आइडिया थोड़ा चेंज है। अभी प्लान ये हो गया है
कि हम आज ही 3-4 जगह जो भी अच्छी अच्छी जगह हैं यहाँ पे वो घूम के आएंगे, और 3 बजे तक मुझे वापस आना है, और देन यहाँ से डायरेक्ट हम लोग मेरठ जाएंगे। तो कल का दिन है संडे का, और कल हम जो है रेस्ट करेंगे, और परसों से फिर हमारा ऑफिस शुरू हो जाएगा। और जो मेरा मेन बैग है जिसमें मेरे सारे कपड़े वगैरह है, वो मैंने अभी यहीं होटल में रखवा दिए भैया के पास ही। तो जब मैं यहाँ से आता हुआ अपना सामान लेके चला जाऊँगा, और बाकी जो मेरे गैजेट्स हैं वो मैंने छोटे वाले बैग में अपने रख लिए हैं, उसको मैं अपने साथ कैरी करके लेके जाऊँगा, और वीडियो वगैरह बनाते हैं और आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में, करते हैं बाइक को स्टार्ट। I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas. एक बार ग्रीनरी देखो यार पहाड़ों की, बहुत प्यारे लग रहे हैं यार, ये बहुत सुंदर हैं। जैसे वो नहीं था रोहित शेट्टी की मूवीज़ में हम देखते हैं कलरफुल कलरफुल पहाड़ से, आपने गोलमाल 4 मूवी में भी देखा होगा, बिल्कुल वैसे लग रहे हैं सुंदर से। भैया फोटो खींच दोगे? तो यहाँ हमने क्लिक कराई है अपनी 2-3 फ़ोटोज़, और भैया को मैंने बोला भैया प्लीज़ एक फ़ोटो खींच दो यार। तो जो यहाँ पे लोकल्स हैं उनकी भाषा ना गढ़वाली है, और वो गढ़वाली में क्या क्या बोलते हैं आधी बात तो समझ में नहीं आती है। भाई ऐसा रास्ता मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, इतनी ग्रीनरी, मतलब यहाँ की जो फुटपाथ भी है ना वहाँ पे भी ग्रीन ग्रीन जो है काई जम रही है। इस जगह पे आने का तो यार फन है भाई, सीरियसली फन है, मजा आ रहा है यहाँ तो बहुत। और हम बस पहुंचने वाले हैं, और आई थिंक वो ऊपर ही है। ए डॉगी, छोटा सा डॉग। तो गाइस ये है बाहर का व्यू इस सेंट मैरीज चर्च का। अभी मैंने यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा ली हैं, हालांकि अभी खुला नहीं है, बट कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे तब देख लेंगे। तो अभी चलते हैं किसी दूसरी जगह पर, पहले कुछ खाते पीते हैं क्योंकि अभी हल्का हल्का से मेरे को भूख लग रही है, और चाय भी मैंने सुबह से नहीं पी है। तो पहले कहीं चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं भुल्ला ताल पे, और अभी यहाँ से दिखा रहा है 1.2 किलोमीटर्स। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30, और अभी कुछ भी ओपन नहीं है, ना ही कोई भी चर्च ओपन है और ना ही टिफिन टॉप का गेट ओपन है।
तो टिफिन टॉप का जो गेट है वो बता रहे हैं 9 बजे तक ओपन होता है, तो इससे पहले हम लोग जो है मैं सोच रहा हूँ भुल्ला ताल पे घूम आते हैं। ओहो, यहाँ पे भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल है गढ़वाल का। कहाँ से निकाल रहा है यार ये रास्ता मेरे को। नजारे देख लो यार। तो गाइस अभी हम लोग बैठे हैं भीमा ताल में और अभी मैं वेट कर रहा हूँ, साइड में एक कैफ़े है, दिखाया तो मैं आपको, वो साइड में एक कैफ़े है। तो अभी यहाँ पे जो है वो लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो एक बार जब वो पूरा रेडी हो जाएगा तो वो कुछ खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अभी सीन क्या हुआ है कि कैश नहीं है मेरे पास। सीरियसली जब मैं ट्रिप से जब से मैंने ट्रिप स्टार्ट किया है 3 दिन से मेरे पास कैश नहीं है, बिकॉज जहाँ मैं रुका था आते हुए तो मेरे को तो आते वक्त तो मैं निकालना मतलब मैंने सोचा नहीं कि मैंने सोचा कि चलो लेंसन में निकाल लेंगे, बट आते हुए जिस होटल में मैं रुका था वहाँ पे पेटीएम एक्सेप्ट करते थे वो, तो मैंने वहाँ पे जितनी पेमेंट करी है वो सब पेटीएम से कर दी। और फिर मैंने सोचा था कि चलो जब लैंसडाउन में आ जाऊंगा मैं यहाँ पर पहाड़ों पे चढ़ूंगा आज सुबह तो तब निकाल लेंगे। और आते हुए मेरे को एक्साइटमेंट इतनी थी चीज़ों की कि घूमना है ये वो कि अपन एटीएम से पैसा निकालना भूल गए। और अभी जस्ट मैं यहाँ अंदर कैंटीन में गया था तो भाई उन्होंने कहा कि आप हमारे पहले कस्टमर हो तो आपको एटलीस्ट कुछ पैसे तो आपको कैश देने पड़ेंगे। भगवान की दया से 15 रुपये जेब में पड़े थे यार, ठीक है तो 15 रुपये जेब में पड़े थे। मैंने उनको सिर्फ चाय के पैसे दिए कि भैया आपकी 15 रुपये की आपकी चाय है, आप चाय के पैसे रख लो, बाकी मैं आपको पेटीएम कर रहा हूँ। पराठे के पैसे मैं उनको पेटीएम कर रहे हैं, 15 रुपये उनको चाय के दिए हैं, तो इस तरीके के सीन हो रहे हैं। ये रख दीजिए भैया, ये है हमारा पराठा और हमारी चाय। भैया कोई इशू नहीं है ना, जैसे पेमेंट करी है मैंने। थैंक यू। तो गाइस अभी वी आर डन विद द ब्रेकफास्ट और बस अभी अपन चलते हैं भुल्ला ताल के लिए। अंदर ये मतलब यहाँ से यहाँ पर जो है बस बाहर टिकटिंग करानी है, टिकट लगेगा हमारा 150 रुपीज़, तो कराते हैं और मिलते हैं आपसे अंदर वीडियो में। इस तरह का एक टिकट है यहाँ पे 150 रुपीज़ पर पर्सन। तो अभी चलते हैं अंदर। तो मेनली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ बोटिंग है और पार्क्स हैं, तो देखने में तो अभी तक तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, बाकी अंदर जाके देखते हैं कि कैसी जगह है। और इस बार मैंने जो है लेंस डाउन से लिए हैं ये कुछ इनको क्या बोलते हैं, ये जो फ्रिज पे लगा रहते हैं ना, ये उस तरीके के कुछ हैं स्टैम्प टाइप के, तो
तो मैं जब भी किसी जगह जाता हूँ तो वहाँ से कुछ ना कुछ एक चीज़ ले लेता हूँ जिससे कि वो मेमोरी के तौर पे मैं उसको रख सकूँ। तो जब मैं गया था मसूरी में तो वहाँ से मैं जो है एक यू नो नेम प्लेट टाइप की मैं लेके आया था अपने सरनेम की, तो वो हमने लगाई थी और आज हम ये लेके जा रहे हैं। बाकी जगह देखते हैं और बोटिंग करते हैं। चलिए जरा एक नंबर है यार, क्लीनलीनेस एक नंबर क्लीनलीनेस है। ज़रा सा भी कहीं भी गंदा नहीं है, लोग जो है अभी भी सफाई कर रहे हैं। आप हाँ वो लोग वो सफाई कर रहे हैं। बढ़िया चीज़ है यार। कैसा एक्सपीरियंस है भैया, कैसा एक्सपीरियंस है? बढ़िया बढ़िया। सो गाइस दिस इज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस और सेम चीज़ जो है मेरठ में आज से कई साल पहले अप्पू घर करके एक जगह थी, वहाँ पे थी ये सब चीज़ें। तो तब हम बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे थे, तो तब हम लोग जाते थे और मम्मा लेके जाती थी हम लोगों को। तो वहाँ पे वो ना इलेक्ट्रिक वाली जो कार्स होती थी जो टकराती थी, तो उस टाइप का सीन था। बाकी फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस सही है यार, ऐसे चलाते रहो, ऐसे पैंडल मारते रहो, चलते रहो बस। वो वहाँ पे जो है शूटिंग के लिए दे रखा है, जैसे वो मेले वगैरह में होता है ना, वो वहाँ पर है भाई। इधर तो अपन लोगों का पोपट हो गया यार। जिन्होंने अभी हमें बोटिंग कराई है, मैंने अभी उनसे बात करी, तो टिफिन टॉप सारे के सारे जितने भी चर्च हैं सब बंद है। मतलब मैं दो दिन से जो है रूम पे बैठे काम कर रहा हूँ कि सैटरडे संडे यहाँ घूमूंगा, मुश्किल से दो जगह मिली घूमने फिरने के लिए, वो भी बंद है। इस बार तो कट गया भाई अच्छे वाला, तो लेंस डाउन में आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस यहाँ से निकलते हैं, अभी देखते हैं अगर मैं दोबारा जाके जाना तो मेरे को टिफिन टॉप से ही है, तो एक बार टिफिन टॉप पे चेक कर लेंगे, अगर गेट्स खुल गए होंगे तो हम लोग चले जाएंगे ऊपर, अदरवाइज़ फिर मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अपने घर के लिए मेरठ के लिए। तो मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में।
रास्ता है हमारा सिर्फ 800 मीटर दूर। अगर ये भी नहीं खुला तो फिर अब मैं कुछ भी चेक नहीं करूँगा, मैं सीधा निकल जाऊँगा मेरठ के लिए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। बहुत कम लोग हैं, हालांकि टूरिस्ट हैं लेकिन बहुत कम हैं। सो गाइस राइट नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द चर्च। और एक बार इस वाले चर्च में भी चले जाते हैं। सुबह हम आए थे तो हम लोगों ने बस फोटो वोटो क्लिक करा दी क्योंकि बंद था ये, तो अभी चलते हैं इसमें भी। ये सेंट जॉन चर्च तो बंद ही है अभी यार, तो आई थिंक ये नहीं खुलेगा। कोई बात नहीं, दो बार यहाँ पे आ चुके हैं, ये नहीं मिला हम लोगों को खुला हुआ। अब सीधा चलते हैं मेरठ की तरफ, और कुछ बचा नहीं है तो पहले जाएंगे हम अपने होटल, वहाँ से पैक लेकर देन कोटद्वार में एक मंदिर है वहाँ पर जाऊँगा मैं ज़रूर, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत टाइम है। तो चलते हैं यार, फिर मिलते हैं आपसे आके रास्ते में। और यही सुबह खड़े हो गए हम लोगों ने अपनी फोटो क्लिक कराई थी। तो गाइस अगर आप लोग भी आ रहे हैं लैंसडाउन तो आप बिल्कुल भी प्लान ना करें, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा कुछ है नहीं कि आप जो है इतनी जद्दोजहद करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचो। और मतलब आपकी मर्ज़ी है यार, अगर आप जो है 5-6 जने दोस्त हो या फिर आप जो है कपल्स हो या मैरिड हो, मतलब जो भी है ठीक है, आप जिसके साथ भी आना चाह रहे हो, अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि आपको कोई बहुत ही बढ़िया जगह मिलेगी देखने के लिए या फिर बहुत ही अच्छा कोई एक स्पॉट होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ पहाड़ हैं, ग्रीनरी है ठीक है, आपको अगर जो है बस पहाड़ों के मज़े लेने हैं कि भाई यू नो कार चलानी है, बाइक चलानी है, और यू नो थोड़ा बहुत जो है मतलब जगह से आपको कोई मतलब नहीं है कि कोई जगह मिले या ना मिले, बगचौदी काटनी है आपको अपने दोस्तों वोस्तों साथ जो और जो है मज़े करने हैं, तो फिर आप यहाँ पर आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट ऐसा सच कोई ऐसा व्यू नहीं है यहाँ पर कि आप जो है इतना मेहनत करके यहाँ पर आओ, मेरे हिसाब से तो ये है। बाकी आप देख लो अपना अपना जैसे आपको सही लगे। अगर आपको कभी भी कोई ऐसा पत्थर वत्थर साइड में देखने को मिल जाए तो उसको साइड हटा देना, क्योंकि बिल्कुल शार्प कट है, अगर कोई भी हल्के से तेज स्पीड में आया ना तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे कोई पत्थर आपको दिखे तो साइड कर दिया करो यार, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट आपको थोड़ा सा लेट ही हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बाकी ठीक है चलते हैं। और ये आई थिंक लैंडस्लाइड हुई है, आई गेस वो वाला जो है रोड था, बट लैंडस्लाइड की वजह से जो है अभी इतना सा रोड है। तो आप जब भी आ रहे हो ना यहाँ पे थोड़ा सा बच बचा के आना, और ध्यान रखिए अपना बिल्कुल, ये तो मौसम यह चल रहा है कि लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है। बाकी ठीक है चलते हैं, अभी ये रास्ता साफ कर दिया है इन लोगों ने, बट ये ब्लॉक रहा होगा। और बैग हमने अपना रिसीव कर लिया है भैया से, अब बस इसको यहाँ लगा देते हैं क्योंकि रास्ते में अपने को जो है ज़रूरत पड़ने वाली है चार्जिंग की। चार्जिंग लगा ही लेता हूँ, पहाड़ों पहाड़ों में चार्ज रहेगा।
रिज़ॉर्ट से, और रिज़ॉर्ट का नाम है सन्नी पाइंस। आसपास की लोकेशन आप देख लो, कुछ इस तरीके से है, और बहुत ही बढ़िया रिज़ॉर्ट लगा है मेरे को। मुझे तो मतलब स्टे अच्छा मिल गया इनके साथ। बाय बाय भाई। तो अब निकल रहे हैं हम लोग अपने मंजिल की ओर, हमारा घर मेरठ। तो अभी तक की जर्नी हमारी बहुत ही सही रही है, हालांकि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है अंदर से कि यार मतलब इतना ज़्यादा जो है पैसा खर्च करा, यू नो दिन खर्च करे, बट ठीक है यार, मतलब फॉर अ चेंज आप यहाँ पे आ जाओ दोस्तों यार साथ, जो है खाओ पियो मौज उड़ाओ और घूम फिर के पहाड़ों में आ जाओ, बस इतने इसी लायक है ये। बाकी आई विल मिस माई रूम, बहुत ज़्यादा मिस करूँगा मैं उसको, मतलब बहुत ही सही ऐसा घर जैसा फील हो गया था वो मेरे को। यार ये जगह देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत प्यारी जगह है यार, मतलब ये जो ग्रीनरीज दिखती है ना ऐसे लेयर्स जो बनते हैं इसको प्लांटेशन बोलते हैं एक, तो ये वो है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। और ये ऊपर टॉप से ना जहाँ पे मेरा रूम था वहाँ से आई थिंक ये वही जगह है जो हमें दिख रही थी, बट एक नंबर सुंदर है यार। बाकी मौसम देखो, मौसम भी बढ़िया है, कोटद्वार बस थोड़ी दूर है। व्हाट हैपेंड भैया? नमस्ते भैया। यार एक काम हेल्प कर दो, बताओ भाई। जरा मेरी गाड़ी में ना किसी ने थोड़ा सा पेट्रोल दिया था, मैंने जाना संगलोकोटी भैया, कुछ है लेने के लिए भाई? जरा मेरे को इतनी हेल्प कर दो कि जरा थोड़े पैसे दे भैया, मैं संगलोकोटी पहुंच जाऊं। यार पैसे मेरे पास ला पाए जल्दबाजी में, मेरे पास कैश बिल्कुल नहीं है, मैं सही बताऊं आपको, देख लो यार। इधर लगा रहा हूं, हटो 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 भाई। तो भाई एक लीटर पेट्रोल दिया है भाई को मैंने, उस बेचारे के पास जो है पैसे भी नहीं थे और पेट्रोल भी नहीं था, और रास्ते में खड़ा हुआ था बिल्कुल, बट ठीक है यार, मतलब हेल्प कर देनी चाहिए। और ऐसे ही जगह पे ना अगर सपोज़ करो अभी तो भाई फंसा हुआ है, अगर मैं फंसा होता और मुझे कोई ना देता तो मुझे कैसा फील होता और मैं कितना परेशान होता, आप ये भी तो देखो। तो
दूसरे को जो है मतलब अपने आप को जो है दूसरे की सिचुएशन पे रख के देखना और तब आप सोचना। आप में से बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि या वो शायद तेरे पागल बना दिया होगा उसने, या वो तेरे से झूठ बोल रहा होगा, वो कर सकता है, मैं भी वो झूठ बोल रहा हूँ। बट अगर हमें दिख रहा है कोई मदद मांग रहा है, किसी को मदद की ज़रूरत है, तो आप उसको आपको कर देनी चाहिए। डजेंट मैटर कि वो सही गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, या फिर वो सच्चा है या झूठा है, वो जो वो कर रहा है वो भगवान उसको देख लेंगे, लेकिन आप जो उसके लिए कर रहे हो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। बस अपने कर्म जो है अच्छे रखने चाहिए। बाकी दुनिया ठीक है यार, मतलब दुनिया में हर तरह का इंसान है, अच्छा भी और बुरा भी। और एक बार नीचे का नज़ारा देखो यार, ये देखो यही नहर जो है बहुत दूर से चलती आ रही है, बहुत दूर से। बाकी चलो यहाँ चलते हैं वरना ट्रैफिक आ जाएगा। सो गाइस राइट नाउ आई एम एट द शिवजी मंदिर। टूट तो गया है। तो यहाँ का ट्रेडिशन क्या है अपने को नहीं पता था, तो नारियल को नीचे तोड़कर इसको फिर ऊपर लेके जाना है मंदिर में और वहाँ इसको चढ़ाना है। थक जाएंगे भाई आज। तो भाई दर्शन अपने को अच्छे से हो गए हैं, अभी निकल रहे हैं वापस घर के लिए क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पसीना से मेरा हालत देख सकते हो कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो अभी जल्दी से निकलते हैं, बाइक पे बैठेंगे यार। तो मैंने जैकेट पहन रखी है ना, इससे ज़्यादा हालत मेरी और ज़्यादा ख़राब हो रही है इससे। ठीक है भाई, थैंक यू। यहाँ भी मैंने दो चार बंदों को अपने चैनल का नाम बता दिया है, अब पता नहीं सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे, बट बताना अपना काम है। अब भाई गोली बोलो यहाँ से क्योंकि बेहद गर्मी है, हद गर्मी है यार। बाकी बाबा जी के दर्शन जो है अच्छे से हो गए हैं, प्रसाद हम ले आए हैं और अब दोपहर के बज रहे होंगे 12:30 और टी शर्ट मेरी अंदर से बिल्कुल गीली हो चुकी है पानी की तरह। ओह ठीक है, अभी यहाँ से निकलते हैं और घर चलते हैं। अभी तो रास्ते में कहीं पे कुछ रुक के खाना पड़ेगा क्योंकि लंच भी तो करना है और भूख थोड़ी बहुत तो लगने लगी है अब। और इतने दिनों बाद अब प्लेन्स में हम उतर चुके हैं और अब जो है बाइक को थोड़ा सा भगाते हैं। नंबर मजा यार भाई साहब, गजब। लेकिन ऐसे रोड पे ना जहाँ सिंगल है और साइड में जंगल है ना, सिंगल रोड में जंगल, वाह क्या शेरो शायरी बन रही है यार। कीप इट अप। ना 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 तालियां मत बजाना यार, कोई भी तारीफें नहीं करनी हमारी, बस चुपचाप हल्का सा एक सब्सक्राइब कर दो यार या अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो ऐसे जंगलों में क्या होता है कि कुत्ते बिल्ली बंदर लंगूर ये सब बहुत ही कॉमनली साइड में से निकल आते हैं और आपकी बैंड बजा देंगे बहुत गंदे वाला। तो इसीलिए जो है थोड़ा देख के भगाओ जब दूर दूर तक खाली दिखे ना, और कंट्रोल में भगाना कि आपको पता चल सके कि आप कंट्रोल कर सको उसको गाड़ी को ना। ऐसा नहीं कि आप भगाए जा रहे हो और एंड में आपसे कंट्रोल ही नहीं हुई तो फिर ना 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 वही होगा।
यार बहुत देर से ये जो बटरफ्लाई है ये मेरी गर्दन पे बैठी हुई थी, और मुझे लगा जो टी शर्ट का जो स्टिकर होता है ना वो है, तो मैं जस्ट मैंने हाथ मारा तो ये, अच्छा चलो उड़ जाएगा बस, आई थिंक उड़ गई है। सो गाइस फाइनली हम लोग अपने फेवरेट कैफ़े में बैठ चुके हैं दोबारा से, UP20 कैफ़े। गर्मी बहुत है और बहुत देर से जो है AC भी चल रहा है, सामने पंखा भी चल रहा है, फिर भी जो है गर्मी जान नहीं रही है और पसीने पसीने हो रहे हैं। इस टाइम हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा, टी शर्ट गीली हुई है पूरी। तो अभी थोड़ी देर आराम करते हैं, अभी मैंने अपना ऑर्डर दे दिया है। तो गाइस जस्ट अभी मैं निकला हूँ UP20 कैफ़े से, तो अभी जो ऑनर हैं भैया मेरे को फिर से मिल गए थे, और भाई बंदा एक नंबर, मैं बोल रहा हूँ ऐसा रिलेशन बनाना ना हर किसी बंदे के बस की बात नहीं है। देखो अपना काम जो है सभी खोल लेते हैं, बट एक जो कस्टमर के साथ जो रिलेशन बनाना होता है ना वो भैया को आता है, और भैया का ये मेन काम नहीं है, उनकी खुद की कंपनी है, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर और काफ़ी वेल सेटल्ड उनकी कंपनी है। ये बस उन्होंने इसलिए करा कि अपने होम टाउन में कुछ अपना काम जो है, मतलब यू नो अपने छोटे भाई के लिए या अपने फादर साहब के लिए उन्होंने ये करा है। तो मेरी तरफ से भैया आपको ऑल द वेरी बेस्ट, आपका ये कैफ़े बहुत अच्छा जाए, और उन्होंने मेरे साथ अपने जो है फ्यूचर मतलब प्लान्स जो हैं इस कैफ़े को लेकर या फिर अपने लाइफ को लेकर वो भी डिस्कस किया, मतलब बहुत ही प्यारे बंदे हैं। और अगर आप कभी भी ये नजीबाबाद से निकल रहे हो ना लेंस डाउन की तरफ, तो UP20 कैफ़े में ज़रूर रुकिएगा, मेरी रिकमेंडेशन है, हाईली रिकमेंडेड प्लेस। तो यहाँ से हमारा घर जो है मेरठ वो है 120 किलोमीटर, और अभी 2.5 घंटे की जर्नी दिखा रहा है गूगल मैप। और भाई खुली डुल्ली रोड आ चुकी है, और तुम्हारा भाई भगाने वाला है, लेकिन भगाएं तो भगाएं कैसे, हाय इस धूप में यार। मेरे पास कोई सुपर बाइक होती ना मैं इस टाइम पे इसको जो है 150 पार कर देता, ऐसी खुली रोड पे देख रहे हो कितने खुले जो हैं, खलियान हैं, खेत खलियान हैं, ग्रीनरी साइड में ग्रीनरी, इस तरफ ग्रीनरी, और बट एक बार ज़रूर बताना कि आपको कैसी लग रही है ये राइड। और आज मैंने सुबह से जो है कैमरे का एंगल भी चेक नहीं कराया, आई डोंट नो कि एंगल कैसा दिख रहा होगा, अगर गलत हो गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और आवाज़ अगर रिकॉर्ड सही से नहीं हुई होगी तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। ऊँचे ऊँचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। बट सी यार बाइक चलाने का क्या मज़ा है, क्या फन है ऐसे रोड पे, जिगजैग करते रहो, देख के करो लेकिन जिगजैग जब भी कर रहे हो कि आसपास वालों को किसी को दिक्कत ना हो। क्या हाल है भाई जी, ओहो चलो जी चलो अंकल जी पूछ रहे कैसे हैं, मैंने भैया बढ़िया, बेचारे अकेले बैठे थे हमने थोड़ा सा स्माइल करा दिया। वैसे वो जो बेच रहे थे वो आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो मुझसे पूछना मत, और मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि वो लोग कच्छे बनियान बेच रहे थे यार, मैं क्यों बताऊं किसी का काम, इतने पर्सनल चीज़ें हैं कच्छे बनियान, आपने खुद देख लिया मेरा सूखता हुआ नहीं देखा क्या, अगर नहीं देखा तो कल की वीडियो देखो यार, उसमें बहुत अच्छा कच्चा सूखा मेरा बैड जोक बैड जोक आई नो, बट क्या कर सकते हैं, खाली रोड चल रही है, कुछ तो बकवास करूंगा, आपको बोर करूंगा थोड़ा बहुत तो। और इस टाइम पे हालत देखो मेरी क्या हालत हो रही है, और कैमरा भी पता नहीं कैसा हो रहा है, तो गर्मी में जो है पूरा नाश हो चुका है,
बहुत गर्मी है यार, पहले पानी वानी पीते फिर निकलते हैं यहाँ से। ये कहाँ आ गए हम यूं चलते चलते, अब साथ तो कोई है नहीं तो यूं ही चलते जा रहे हैं। लेकिन यार जहाँ तक मुझे याद है मीरापुर से मेरठ तक का रास्ता ऐसा कुछ है नहीं उधर, आई थिंक हमने कोई कट ले लिया है गलत, तो हम अंदर से किसी और रास्ते से जा रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं कैंट एरिया में और यहां से हमारा घर जो है सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। तो अभी जो है वीडियो में यहीं पर बंद करता हूं, मिलते हैं आपसे सीधा डायरेक्ट अब घर पे। चलो सो गाइस राइट नाउ इट्स 7 o'clock और 5:30 बजे तक मैं घर पे आ गया था, बट अभी नहा के चाय वाय मैंने सब कुछ पी लिया है, बट हेडेक नहीं जा रहा है और नेक पेन नहीं जा रहा है। नेक पेन इज़ बिकॉज ऑफ द हेलमेट एंड हेडेक इज़ बिकॉज ऑफ द हीट। बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, तो अभी जो है कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी ठंडी हवा ले रहा हूँ एसी में और लेटा हूँ, आराम कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं क्योंकि आगे कुछ है नहीं दिखाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। और कमेंट करके बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, ठीक है? चलो बाय बाय, गुड नाइट। 10 महीनों कितने आई नहीं जट का मुकाबला, 10 महीनों कितने तेरे जट का मुकाबला, 10 महीनों